तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूं इन्फोलॉजी हिंदी यूरोप चैनल में। और दोस्तों, इसरो की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो कि है चंद्रयान 3 के बारे में। और इस खबर को खुद इसरो के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने चंद्रयान 3 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इसी साल 7 सितंबर को चंद्रयान 2 जो है वो मून पर लैंड करने वाला था, लेकिन लैंडिंग के 2 किलोमीटर पहले ही इसरो का संपर्क चंद्रयान से टूट गया और चंद्रयान 2 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने की जगह हार्ड लैंडिंग कर दिया। और दोस्तों, बाद में चंद्रयान 2 की लोकेशन ढूंढी गई, इसरो ने उसका लोकेशन को पता लगाया और उसे कनेक्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें इसरो असमर्थ रहा। और दोस्तों, इसरो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 को इसरो ने इतनी जल्दी अनाउंस किया, जो कि काफ़ी प्राउड की बात है। और दोस्तों, बस यहीं तक नहीं, इसरो के काफ़ी सारे मिशन से जो अभी अपकमिंग आने वाले हैं 2020 से लेकर 26 तक। और दोस्तों, कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि मैं इसरो के 8 अपकमिंग मिशंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आदित्यवान जो कि सूरज के बारे में मिशन होगा, इसमें इसरो सूरज के बारे में कुछ रिसर्च करेगा, मंगलयान 2 होगा और गगनयान, जिसमें कि इंडिया से 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप ये वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में और कुछ बात कर लेते हैं। और दोस्तों, चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के जैसे ही विक्रम और रोवर होगा। और दोस्तों, इसका बजट 75 करोड़ रुपीज़ बताया गया है, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने भी कन्फर्म किया है। दोस्तों, इसरो ने यहाँ पर ऐसा बताया कि यह चंद्रयान 3 का मिशन जो है SRLS नवम्बर तक पूरा होगा। और दोस्तों, इसरो यहाँ पे एक नया लॉन्च पैड पे काम करना शुरू कर सकता है, जिसको हम लोग SSLV कहेंगे, जिसका मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इससे जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होंगे उसे लॉन्च किए जाएंगे। और दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए कमिटीज भी बना ली हैं, जो कि चंद्रयान 3 पे काम करेंगे। और इस बात को खुद इसरो के ऑफिशियल्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है। तो दोस्तों, इससे ये पता चल जाता है कि ये खबर पूरी सच्ची है और इसरो नेक्स्ट ईयर नवंबर तक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ चंद्रयान 3 के बारे में ये न्यूज़ सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसरो के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। और दोस्तों, कल जो वीडियो आने वाली है इसरो के अपकमिंग मिशंस के बारे में, उसे आप मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।